अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ हुबली स्टाइल में मटन पुलाव। तो ये देख सकते हैं, मैंने 1.25 किलो मटन ली हूँ हड्डी वाला। और इसमें देखिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके 2 से 3 पानी से इसको इसमें पानी डालकर रखी हूँ, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको गला कर ले लेंगे। और ये गरम मसाले बताती हूँ मैं, 2 चम्मच मतलब टेबल स्पून मैंने शाजीरा ली हूँ, और ये देखिए 3 चक्रीफूल ली हूँ, और ये 2-4 टुकड़े मैंने दालचीनी के ली हूँ, 6 से 7 इलायची ली हूँ छोटी इलायची, और ये 6 से 7 मैंने लौंग ली हूँ, 2 बड़ी इलायची ली हूँ, 10 से 12 मैंने काली मिर्च के दाने ली हूँ, 3 पत्ते मैंने तेज पत्ते ली हूँ, और ये छोटे छोटे 3 साइज़ के मैंने प्याज ली हूँ, इसको पतले स्लाइस में कट करके ली हूँ, और ये मीडियम साइज़ के 5 टमाटर लेके मैंने इसको इस ऐसा कट करके रखी हूँ। और देखिए, तपेली मैंने गैस पे चढ़ा चुकी थी और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। मैंने 1.25 किलो से ज़्यादा मैंने इसमें तेल डाल दिया है, क्योंकि पुलाव में तेल रहना बहुत अच्छा होता है, और तेल अच्छा बन रहने से पुलाव बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने तेल के अंदर ये देख सकते हैं प्याज डाल दी हूँ, और प्याज भी हल्की नरम हो गई है। तो लेकिन इसको हम अच्छे से गोल्डन करके लेंगे प्याज को। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हरी मिर्ची को दरदरा कूट के ली हूँ, और ये 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1 नींबू का रस बाद में निकाल लेंगे, हल्दी है 1/2 चम्मच, 2 स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, और धनिया पाउडर 2 चम्मच ली हूँ। ये देख सकते हैं प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इसको अच्छे से भून कर लेंगे, और ये जो गरम मसाले हैं खड़े गरम मसाले ये डाल देंगे, और इसको अच्छे से चम्मच से भून कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो पेस्ट की जो स्मेल होती है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसको भून ली हूँ। अब इसके अंदर मैं जो हरी मिर्ची कूट के रखी हूँ दरदरा पीस के ली हूँ वो डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको भी चम्मच से अच्छे से भून के लेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची की भी जो कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, नहीं तो क्या पुलाव में अच्छी कच्ची स्मेल आती है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पका लेंगे, और ये जो मैंने टमाटर बताई थी मैं अब उसके वो डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको अच्छे से इसको भी भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, जो मैंने 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ली थी, 1.5 स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ली थी, और 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली थी, और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ली थी। ये सब इसके अंदर डाल के मिक्स करके लूँगी। मैंने वापस से बता दिया, और इसके अंदर मैंने नमक भी डाला था, लेकिन नमक मैंने बताना भूल गई थी। मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक भी डाली थी, तो आप अपने नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और ये 3 बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने इसको छील के देखिए ऐसा बीच से कट करके ली हूँ, और ये धनिया पाउडर है और धनिया है और पुदीना है, हरा धनिया और पुदीना, और इसको पानी में रखेंगे क्योंकि काले ना पड़े। और ये धनिया ये दही है, दही डालेंगे, 100 ग्राम मैंने दही ली थी वो इसके अंदर डाल रही हूँ,
और इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। तो ये इसके अंदर अब डालेंगे आलू। और ये मैंने हरा धनिया और पुदीना को धोकर कट करके लिए, तो आधा इसके अंदर डाल देंगे और आधा बाद में डालेंगे और इसको मिक्स करके लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से पक रहा है। और ये जो हमने गोश्त को बॉईल करके लिए हैं, गला लिए, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। और इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ेंगे। अब मैं ढक्कन से ढक कर रख दी हूँ इसको पकने के लिए। और ये चावल देखिए, मैंने 1 किलो चावल ली थी और ये भीगने के लिए रख दी थी। और ये पानी मैंने अदहन के लिए रखी हूँ, जब पानी पकने लगेगा तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। तो ये देख सकते हैं पानी अच्छे से पकने लगा है, तो अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। तो मैंने इसके अंदर चावल डाल लिया है, इसको चम्मच से अभी मिक्स करके लेंगे। इसको बार बार चलाते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि चावल नीचे चिटक जाता है और मसाले भी नीचे ही रह जाते हैं, तो उसको हम मिलाने से अच्छे से पक जाती है पुलाव, मसाले मिक्स होते रहते हैं। तो हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और ये देखिए, मैंने एक बड़ा नींबू का रस निकाल के ली हूँ, इसके अंदर अभी डालूँगी के पहले ही डालने से टेस्ट नहीं आता। और मैंने नमक टेस्ट की तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैं मेरे हिसाब से फिर से नमक डाली हूँ। और ये मेरी पुलाव बन चुकी है, तो ये देख सकते हैं। अभी इसको मैं दम के लिए रख दूँगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पकी और कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब मैं इसको दम पे रखी हूँ और ये हमारा दम भी हो चुका है। देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है उबली स्टाइल में मटन पुलाव। तो मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। अगर मेरी मटन पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इफ्रार खान चैनल पर, और अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में मेरे रेसिपी शेयर करें। ये देख सकते हैं गोल भी बहुत अच्छे से लग रही है पुलाव। तो कलर कितना मस्त आया है देख सकते हैं। और टेस्टी भी बहुत थी माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका था। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको, हुबली स्टाइल में मटन पुलाव। तो मैं ऐसे ही रेसिपी लाती रहूँगी। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है।